उसका मन बेकार की चीजें क्यों कर रहा है? तो मैं उसे झेल नहीं सकता, मैं उसे झेल नहीं सकता। अगर मैं कड़वाहट पैदा करूं, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, ये सभी वो जहर हैं जिन्हें पीते आप हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर आप जहर पिएंगे तो सिर्फ आप मरेंगे, कोई और नहीं मरेगा। मुझे उससे नफरत है, मैं चाहता हूँ वो मर जाए। सिर्फ आप मरेंगे, वो नहीं मरेंगी, है ना? आप जहर पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं, ये ऐसे काम नहीं करता। तो आपको इसे ठीक करना होगा। अगर आपका मन ही आपके खिलाफ काम कर रहा है तो सबसे पहली चीज आप ये कीजिए, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उनसे ब्रेक लीजिए, चाहे आप जो भी कर रहे हैं। आप समझे, अपना काम, अपना परिवार, अपनी बकवास, हर चीज से ब्रेक लीजिए और एक उचित स्थान पर जाइए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं या फिर भारत में या कहीं और जाइए, जो भी आपके लिए अच्छी हो। पर इसके लिए कुछ कीजिए, दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिए, है ना? तो एक जगह बैठ कर देखिए कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब आप दुनिया में रहते हैं तो या तो आपको अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहिए या फिर अपने आसपास के 10 लोगों के लिए। या तो आप खुद को वाकई आनंदित और जीवंत रखिए और दूसरों की परवाह मत कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप तो आनंदित हैं, ये ठीक है। या आप अपने आसपास किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी ठीक है। कोई भी इंसान जो ना तो खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना ही किसी और के लिए, उसे खुद को इंसान कहने का वाकई कोई हक नहीं है, है ना? प्रकृति ने इतनी बुद्धि और जागरूकता आपके अंदर डाली है कि नहीं? हाँ, शायद आप दुनिया में कोई महान काम नहीं कर सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम धरती पर प्रेम से रहिए, उतना तो आप कर सकते हैं, है ना? हाँ, शायद आप पूरी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आनंद में रहिए। अगर आप आनंद में जीते हैं तो अचानक से आपको पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। जैसे ही सारी दुनिया खूबसूरत लगेगी, आप स्वाभाविक रूप से हर चीज को एक प्रेम भरी नजर से देखेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या ऐसा है? अगर आप बहुत आनंद में यहाँ से गुजरेंगे तो आप जिस भी चीज को देखेंगे वो बहुत सुंदर लगेगी। जब आपको हर चीज सुंदर लगती है तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज को प्रेम से देखते हैं। आप पर दिव्य कृपा है, बस यही करना है। और अगर आप वैसे नहीं है तो क्या आपको इसी वक्त कुछ समय निकाल कर खुद पर काम नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कुछ महत्वपूर्ण कर रहा हूँ, आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी आप करेंगे उसमें आप खुद को ही व्यक्त करेंगे, है ना? आपके मूर्खतापूर्ण अच्छे इरादे व्यक्त नहीं होंगे, आप जो हैं वो ही आपके हर काम में व्यक्त होगा। अगर आपके दिमाग में जहर है तो अच्छे इरादों से आप दुनिया में जहर घोल देंगे।